बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित सभी केंद्रीय, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है कि अब अरुण जी इस दुनिया में नहीं रहे और मात्र 67 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़कर चले गए। जीवन भर जो उन्होंने किया, इसके बारे में हमारे अनेक पूर्व वक्ताओं ने, साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा की। अपने छात्र जीवन से जो उनकी सक्रियता रही है वो आप सब लोग जानते हैं। जेपी आंदोलन से और छात्र आंदोलन से जो उनका रिश्ता था वो तो शुरू से हम लोग जानते थे, लेकिन जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी 1998 में, और उस समय से अरुण जी के साथ हमारा विशेष संबंध था। श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, मंत्रिमंडल में हम सब साथ थे और एक एक चीज पर उनसे चर्चा होती थी। और जब 2005 में बिहार के प्रभारी बने भारतीय जनता पार्टी के, और 2005 में दो चुनाव हुआ बिहार में विधानसभा का, फरवरी में और फिर अक्टूबर नवंबर, जो उनकी भूमिका थी उसको हम सब लोग नहीं कभी भुला सकते। हमने तो कुछ सोचा भी नहीं था जिस कदम को उन्होंने उठाया, और अपने दल के लोगों से ही बातचीत करके जो उन्होंने पहल की, हम इस चीज को कैसे भूल सकते हैं। आज अगर बिहार की सेवा करने का मौका मिला है हम सब लोगों को, उसमें जो अरुण जेटली जी की भूमिका रही है उसको मैं तो अपने जीवन में नहीं भुला सकता। और किस तरह से वे काम करते रहे, हमने तो हमेशा देखा है, अगर कोई विपरीत परिस्थिति भी हो तो उससे कोई विचलित नहीं होते थे, दुखी नहीं होते थे, और बहुत जल्दी उत्साहित होकर अपनी बात रखने लगते थे। ये हमने एक बार नहीं, अनेकों बार देखा। और जब उनको हम ये देखते थे तो उसी समय हमको याद आता था मधु दंडवते जी का, उनमें भी यही गुण हम लोग देखते थे। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे न विचलित होना न परेशान होना। तत्काल उनके मन में कुछ विचार आता था, कुछ बात आती थी, और जिस तरह से वो कोई आगे कैसे करना चाहिए इस पर बोलते थे और सोचते थे। उनका गुण जो था ये विलक्षण था। और जो भी हम लोगों के साथ उनकी भागीदारी रही है, वैसे तो जब 2005 में फरवरी के बाद जो दूसरा चुनाव होने वाला था, इस बीच में ही उनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। ऑपरेशन हुआ और उसके कुछ ही दिन के बाद वो पूरे तौर पर सक्रिय रहे, और अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हुआ उसमें उनकी जबरदस्त भूमिका रही। खुद भी चिंतित नहीं रहते थे और लोगों को किस तरह से प्रेरित करते रहते थे, ये भूलने वाली बात नहीं। प्रतिदिन उनके साथ बैठना,
चुनाव के पूर्व पूरे चुनाव अभियान के दौरान और एक एक बात पर चर्चा करना और किस तरह से आगे कुछ और करना चाहिए, किन बातों की चर्चा करनी चाहिए, इन सब एक एक चीज पर वो बातचीत करते थे। तो इन चीजों को हम कैसे भुला सकते हैं? और भले ही वो बिहार के रहने वाले नहीं थे, लेकिन बिहार से उनका बहुत लगाव था। और हमारे कई साथियों ने कहा बिहार से थे, और ठीक ही कहा सुशील जी ने, वो कौन सी ऐसी बात नहीं जो लोगों के बारे में नहीं आती। दिल्ली में जब कभी जाते थे उनसे मिलना, अपने आवास पर बुलाते थे और किस तरह से उनके आवास पर जाते थे और कई लोग उसमें शामिल रहते थे और कितनी खुलकर बातचीत वो करते थे, किसी चीज को छिपाते नहीं थे। और एक बात और हम देखते थे कि कोई पिछले कुछ वर्षों में उनकी तबीयत कई बार खराब हुई, ये बहुत हम सब लोगों के लिए दुखद था कि इतना काम करने वाले लोग, और ठीक ही काम सुशील जी ने, क्या उनका स्मरण था। एक एक बात को जिस ढंग से याद रखना, ऐसी प्रतिभा कम में ही दिखाई पड़ती रही। उनकी तबीयत खराब होती थी, इसके बाद भी उनकी स्मृति में कोई कमी नहीं आती थी, हर परिस्थिति का मुकाबला करते रहते थे। और हमने कभी भी देखा उनकी तबीयत खराब रही और कई बार मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत करने का मौका मिला, हमने नहीं देखा कि कभी वो परेशान रहते थे। हम सब लोग परेशान रहते थे, जो लोगों से बात जानने को मिलती थी, चिकित्सकों से जो बात समझने को मिलती थी, हम लोगों को परेशानी होती, लेकिन हमने कभी उनको नहीं देखा कि वो परेशान थे। तो ऐसे व्यक्ति, इस तरह के गुण वाले कितने होते हैं। वैसे तो आम तौर पर जब लोगों की तबीयत खराब होती है तो लोगों के मन में कितनी परेशानी आती है, हमने उनको नहीं देखा कि कभी परेशान उस तरह से होते हैं। और ये तो सबको मालूम, कोई धरती पर आया है तो उसको जाना, कब जाएगा इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। तो जाना तो सबको है, वो चले गए, उन्हें तो मुक्ति मिल गई, लेकिन इतना जरूर है कि अगर वो रहते तो देश की सेवा और ज्यादा करते, और देश के लिए जो उन्होंने काम किया, जो भी उनको अवसर प्रदान किया गया, अटल जी के समय में भी, श्रद्धेय अटल जी के समय में भी, और आज भी जिस ढंग से सरकार के संचालन में उन्होंने जबरदस्त भूमिका निभाई है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके चले जाने से तकलीफ है, और मैं तो मानता हूं बिहार का ही नहीं, पूरे देश का नुकसान, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो हमें उनके काम को सब दिन याद रखना चाहिए। और मैं तो जीवन भर नहीं भूलूंगा कि जो कुछ भी उन्होंने हम लोगों के लिए किया, देश के लिए तो किया ही, और बिहार के लिए जो हम लोगों की सहायता उन्होंने की, इसको हम लोग नहीं भूल सकते हैं। और उनकी स्मृति को तो सबके मन में उनकी स्मृति तो बरकरार रहेगी, लेकिन इतना जरूर हम चाहेंगे कि भाई उनके स्वभाव से और उनमें जो काम करने की शक्ति थी, हम सब लोगों को कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए इसको समझते हुए उस रास्ते पर चलने का, और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सब उन्हें सदैव याद रखेंगे, उनके काम को याद रखेंगे, और उन्होंने जो प्रेरणा दी है उसको हमेशा याद ही नहीं रखेंगे, बल्कि इसके प्रति, उनके प्रति सदैव श्रद्धा मन में रहेगी।
और हम लोग तो आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। वो तो देश के नेता हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिहार के प्रति जो उनकी जबरदस्त भूमिका रही है, इसको देखते हुए और सब दिन आने वाली पीढ़ी भी, बिहार के लोग भी सब दिन याद रखें, तो हम लोग तो जरूर बिहार में उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे और उनके जन्मदिन हर वर्ष हम लोग राजकीय समारोह के रूप में मनाते रहेंगे। इतना मेरे मन में जरूर विचार है और इन्हीं सपनों के साथ मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।